आपने ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किया 3 वर्ष होता है और उसको छोड़कर क्या आपने श्रम एवं समाज प्रेरणा रखी है, क्यों? सर मैंने जब बीपीएससी का तैयारी शुरू किया तो मेरे पास इस विषय को लेकर रिसोर्स और फैकल्टी और गाइडलाइन अधिक सुलभ थी, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को चुना। गाइडलाइन नहीं मिला था उसमें, भी था सर, लेकिन इसमें मैं ज्यादा सहजता महसूस कर रहा था इसलिए मैंने इसे लिया। जी सर, सर मजदूरी किसी व्यक्ति को उसके श्रम के बदले प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक है। मजदूरी और सैलरी वेतन में क्या अंतर है? सर मजदूरी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक हो सकते हैं और सैलरी मुख्य रूप से मासिक होते हैं। श्रम अधीक्षक को जानते हैं? सर लेबर सुपरिटेंडेंट जिला स्तर के पदाधिकारी हैं जिनका कार्य श्रम संबंधित निरीक्षण करना होता है। गरीबी संबंधी कुछ समितियों का नाम बताइए। सर ये तेंदुलकर समिति है, सी रंगराजन समिति है, बस डांडेकर समिति है। जनवरी की माप की समिति को रखिए, ग्रामीण और माप क्या किया जाए? सर तेंदुलकर समिति के द्वारा कैलोरी का मापन किया गया है और ये शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे पहले की सबसे पहले। धन्यवाद। कुमाऊँ हिमालय और नेपाल हिमालय तीन दो नदी सर कुमाऊँ हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य है और नेपाल हिमालय सतलज नदी और तिस्ता नदी, काली नदी और तिस्ता नदी। जी सर। लखपति दीदी योजना शुरू किया प्रधानमंत्री भारत सरकार की। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरकों के यूज को कम करना और जैविक खाद को कम किया जाना। सर इसका मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन एक मुख्य कारण है। इस बार भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, इसके तहत इन्होंने 107 कुल मेडल जीते हैं जिसमें से 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज हैं। मैडम सर धन्यवाद। आपने ग्रेजुएशन कब किया है? सर मैंने अपना ग्रेजुएशन सन 2020 में किया है। किस सब्जेक्ट से? ज्योग्राफी ऑनर्स। आपका ऑप्शनल पेपर क्या है? श्रम एवं समाज कल्याण। आपने ज्योग्राफी से ग्रेजुएशन किया 3 वर्ष होता है और उसको छोड़कर क्या आपने श्रम एवं समाज कल्याण रख लिया, क्यों? सर मैंने जब बीपीएससी का तैयारी शुरू किया तो मेरे पास इस विषय को लेकर रिसोर्स और फैकल्टी और गाइडलाइन अधिक सुलभ थी इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को चुना। सर ज्योग्राफी में गाइडलाइन नहीं मिला था? उसमें भी था सर, लेकिन इसमें मैं ज़्यादा सहजता महसूस कर रहा था इसलिए मैंने इसे लिया। सर मजदूरी जानते हैं? जी सर। डिफाइन। सर मजदूरी किसी व्यक्ति को उसके श्रम के बदले प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक है। मजदूरी और सैलरी वेतन में क्या अंतर है? सर मजदूरी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक हो सकते हैं और सैलरी मुख्य रूप से मासिक होते हैं। सर मजदूरी भुगतान 36 का दर कौन कौन से डिडक्शन कटौतियां की जाती है? सर इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की कटौती, एक मुख्य कटौतियां हैं एक अन्य कटौतियां हैं और मुख्य कटौतियों में अनुपस्थिति के लिए कटौती, सेवा के लिए कटौती, किसी प्रकार का नुकसान होता है उसके लिए कटौती, अग्रिम भुगतान के लिए कटौती इत्यादि। श्रम अधीक्षक को जानते हैं? जी सर। कौन होते हैं? सर लेबर सुपरिटेंडेंट जिला स्तर के पदाधिकारी हैं जिनका कार्य
श्रम संबंधित निरीक्षण करना होता है सर। और लेबर इंस्पेक्टर ऑफिसर का क्या? सर ये प्रखंड स्तर के पदाधिकारी होते हैं, इनका भी कार्य श्रमिकों से संबंधित होता है। मिनिमम वेजेस के अंतर्गत फेयर वेजेस क्या है उचित मजदूरी? जी सर, सर उचित मजदूरी से तात्पर्य ऐसी मजदूरी से है जब किसी एक संस्थान में किसी श्रमिक को किसी कार्य के लिए जितनी मजदूरी दी जा रही है उसी कार्य के लिए किसी अन्य संस्थान में भी उतनी ही मजदूरी दी जाती है, तो यह उचित मजदूरी है सर। भारत में उचित मजदूरी कहाँ लागू है? सर भारत में मुख्य रूप से संगठित क्षेत्र में उचित मजदूरी लागू है सर। अच्छा, संगठित क्षेत्र में सबसे अधिक काम लोग करते हैं क्या असंगठित में? सर असंगठित क्षेत्र में। कृषि किसमें आता है, संगठित या असंगठित? कृषि कार्य सर ये असंगठित क्षेत्र में। गरीबी वह अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता है, मुख्य रूप से आवास, भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो हमको ये बताइए कि अभी भारत में गरीबी दर कितनी है, नई आंकड़े आए हैं? जी सर, सर इसमें गरीबी दर 24% के आसपास है सर। नए आंकड़े हैं 14.5। सॉरी सर, धन्यवाद। भारत बिहार में, बिहार ऐसा देश राज्य है जो भारत में सबसे तीव्र गति से गरीबी दर को घटाया है, इसके पीछे कारण क्या है? सर बिहार में मुख्य रूप से सामाजिक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, इसके साथ ही सर आर्थिक सर्वेक्षण को भी अगर ध्यान दिया जाए सर तो बिहार सबसे तीव्र गति से वृद्धि करने वाले राज्यों में से एक है। ये सब मुख्य कारण है जो कि गरीबी को कम करने में सहायक है। योजनाओं का? जी सर, धन्यवाद सर। सरकार जो गरीबों के लिए योजनाएं चला रही है उसका सही इम्प्लीमेंट कर रही है, इसके चलते गरीबी दर में कमी है। अच्छा, कितनी गरीबी हो दर में कमी आई है बिहार? सर एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा सर। 18%। धन्यवाद सर। गरीबी संबंधी कुछ समितियों का नाम बताइए। सर ये तेंदुलकर समिति है, सी रंगराजन समिति है, रथ दांडेकर समिति है। कैलोरी की माप किस समिति के द्वारा रखी है? ग्रामीण और शहरी स्तर पर माप क्या किया गया, कितना? सर तेंदुलकर समिति के द्वारा कैलोरी का मापन किया गया है और ये शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी है और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। सबसे पहले किसने किया? सर सबसे पहले जी सर। धन्यवाद। कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच? सर कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के मध्य है और नेपाल हिमालय सतलज नदी और तिस्ता नदी, काली नदी और तिस्ता नदी। जी सर, मलनाड बता दीजिए। सर मलनाड केरल का कोई पठार है। कोई पठार ऐसे बोलने से नहीं होगा। अरावली को डिफाइन कीजिए, अरावली पर्वत कहाँ तक दिखती है? सर अरावली पर्वत राजस्थान से शुरू होकर दिल्ली के रायसीना तक जाती है। रायसीना। मानसून निवर्तन क्या है? सर जब मानसून अपने भारत से जब लौटने की स्थिति में होती है। भाषा का शब्द अरबी भाषा का है सर। क्या है मानसून निवर्तन बता दीजिए। सर भारत से मानसून लौटने की स्थिति मानसून निवर्तन कहलाता है। चंद्रशेखर सीमा को डिफाइन कीजिए। सर कोई भी वामन तारा जिस अधिकतम सीमा तक द्रव्यमान में वृद्धि करता है ये चंद्रशेखर सीमा है। व्हाइट ड्वार्फ क्या है? सॉरी सर इसकी जानकारी। बेनु क्या अभी चर्चा में है? बेनु माफ कीजिएगा सर रिकॉल नहीं। गॉड पार्टिकल? सर गॉड पार्टिकल एक मूलभूत इकाई या कण है जिससे यह माना जाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण इससे हुआ है। निक्स ओलंपिया के बारे में? सर निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह का एक पर्वत है जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट कौन सा जलडमरू मध्य है स्टेट? सर बेरिंग जलडमरू मध्य है। बेरिंग किसको अलग करता है?
सर ये रूस और अलास्का को अलग करते हैं। रूस और अलास्का को जी सर, अभी नाटो का 21वां सदस्य बना है। जी सर। कौन बना? फिनलैंड है सर। फिनलैंड है जी सर। स्कैंडिनेवियाई देश बता दीजिए सर। स्कैंडिनेवियाई देश में मुख्य रूप से नॉर्वे, फिनलैंड, एक स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड है। बाल्टिक प्रदेश बताइए सर। लटाविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया है। आंतरिक और बाह्य ग्रह बताइए सर। पृथ्वी के नज़दीकी चार ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आंतरिक ग्रह हैं और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण बाह्य ग्रह हैं। किस प्रकार का जो वन है सबसे अधिक भारत में पाया जाता है? सर आर्द्र पर्णपाती वन। एरिया बताइए आर्द्र सर। ये मुख्य रूप से पूर्वी घाट, पूर्वी बिहार। ये अभी पश्चिमी घाट से रिलेटेड माधव गाड़गिल समिति की रिपोर्ट क्या थी? सर ये जैव विविधता से कुछ संबंधित है, पूरा मुझे जानकारी। जैव विविधता से बहुत सारी अनुशंसाएं हैं। लखपति दीदी योजना शुरू क्या प्रधानमंत्री भारत सरकार की? क्या प्रधानमंत्री प्रणाम योजना बताइए सर। प्रधानमंत्री प्रणाम योजना रासायनिक उर्वरकों के यूज को कम करना और जैविक खाद को कम किया जा रहा है सर। इसका मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन एक मुख्य कारण है। सब्सिडी लोड है, देखते हैं गांव में अभी खाद की जब मामला आता है दुकान भरा रहता है। जी सर। सब्सिडी लोड को सबसे पहले कम किया जाएगा, इसके बाद मृदा संरक्षण इस प्रकार से जो है डिफेक्ट नहीं होगा। तीसरी आगे जलवायु परिवर्तन को जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ उसका मुख्य क्या वार्ता क्या होगी सर? COP 27 सर। ये तो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन को ही केंद्रित करके एक सम्मेलन है जिसका आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया था। प्रधानमंत्री ने इसमें जोरदार तरीके से बात को उठाया लाइफ योजना। लाइफ क्या सर? ये लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है जी सर। और इसका मूल उद्देश्य इस तरह से है कि जीवन शैली को इस तरह से विकास किया जाए कि उसका किसी प्रकार का प्रतिकूल असर जलवायु पर ना हो। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना क्या? मत्स्य संपदा योजना सर। ये मछलियों के उत्पादन को वृद्धि या प्रोत्साहित करने से मछुआरों से रिलेटेड है बहुत सारी चीजें। जी सर धन्यवाद। अभी विवाद है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, मूल विवाद क्या 2021 में जो मामला पूर्व पकड़ा क्या? सर ये जो हमास एक्सट्रीमिस्ट संगठन है उनका मानना है कि जो इजरायली क्षेत्र में जो मॉस्क है उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है सर। वेस्ट बैंक कहाँ? वेस्ट बैंक सर ये इजरायल के उत्तर पूर्व में स्थित है। फिलिस्तीन जब आए बसे सब लोग जो प्रक्रिया पृष्ठभूमि में हम चलते हैं जी सर, तो उसने एक संगठन का निर्माण किया था इजराइल में, उस संगठन का नाम सर अनुमति दे तो उसके बाद ना आया हमास 1987 में, उससे पहले इसने एक समिति का गठन किया था। सॉरी सर नाम एग्जैक्ट नहीं याद है सर। एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन के बारे में कुछ बताइए सर। इस बार भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, इसके तहत उन्होंने 107 कुल मेडल जीते हैं जिसमें से 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज मेडल है सर। आप गया के बारे में कुछ बताइए, वर्तमान समय गया बहुत चर्चा में। सर गया में जो जिस कारण से ही वर्तमान में सबसे चर्चा में है वो मुख्य रूप से पितृपक्ष मेला है जो जिसका आयोजन वर्तमान में वहाँ पर हो रहा है। इसके अलावा सर गया का जो मुख्य फेमस होने का कारण है वहाँ पर स्थित बोधगया मंदिर बोधगया है।